Assalamualaikum जी, अगेन योर वेरी ओन डॉक्टर उज़्मा पीरज़ादा, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक कंसल्टेंट हियर। आज मैं आपको बताऊंगी एक्नी के हवाले से, आम जबान में जिसको लोग पिंपल्स भी बोलते हैं, स्किन पे दाग, दानों का आना एंड यू नो बम्स आ जाना, बट इसको हम एक्नी बोलते हैं अपनी जबान में, एक्नी वल्गैरिस, जो कि कॉमनेस्ट मोस्ट एक्नी होती है। एक्नी आने की कई वजूहात होती हैं, इसमें एक टीन एज के अंदर आती है जो लड़के लड़कियों को होती है, जिसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से आती है, लेकिन ये एज के उस हिस्से में भी होती है जहाँ ख़वातीन की थोड़ी एज हो जाती है, वहाँ भी आती है। फिर कुछ ऐसी मेडिसन्स होती हैं जिनके इस्तेमाल से भी एक्नी निकल सकती है, और कुछ लगाने की ऐसी चीज़ें होती हैं फेस पर। अनफॉर्चुनेटली हमारे पार्ट ऑफ द ग्लोब में गोरे रंग का बड़ा कंसेप्ट है कि गोरा रंग होना चाहिए, सो वी डर्मेटोलॉजिस्ट से दैट एक अच्छी स्किन वो स्किन है जो कि कील, दाग धब्बे, मुहासों से पाक है, नहीं उस पर, और एक यूनिटोन स्किन है जिसका एक कलर है। खूबसूरती स्किन की वो है जिस पे कि दाग धब्बे मुहासे ना हो, ना कि ऐसी गोरी स्किन जिस पे आपके दाग धब्बे हों या खड्डे हों या एक्नी हो या दाने हों। सो इसको सपल रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए आप हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करें, और कोई ऐसी हेयर से सुनी सुनाई चीज़ों पे ना भरोसा करें, कोई चीज़ लगा ली, कोई ऐसा इरिटेंट लगा लिया स्किन पे। और मैं एक और चीज़ एक्नी के हवाले से आपको बताऊं कि एक्नी को ट्रीट करना बहुत आसान है, लेकिन एक्नी के बाद जो दाग धब्बे होते हैं या जो खड्डे पड़ते हैं स्किन पे, उनको ट्रीट करना एक्सपेंसिव भी होता है, फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, और बहुत लेंथी प्रोसीजर भी होता है। आपके पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत होती है, और टाइम भी लगता है। तो इट्स बेटर दैट यू ट्रीट एक्नी व्हेन इट इज़ मैनेजेबल इन इट्स अर्लियर कोर्स। थैंक यू सो मच।